दोस्तों, इस वक्त हम मऊ शहर के शाही कटरा में हैं और यहाँ पर विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये यात्रा एक तरीके की सरकारी पहल है, जिसकी बदौलत सरकार चाहती है कि जो भी योजनाएं चल रही हैं उसका असर ज़मीन पर भी नज़र आए। जैसे आयुष्मान भारत योजना है, उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, पीएम सम्मान निधि है, और ये सारी की सारी योजनाएं केंद्र से संचालित हो रही हैं। और इस तरीके की योजनाओं को लेकर आम लोगों को जागरूक करने का सरकार का मकसद है, जैसा कि वो अक्सर अपनी मंशा जाहिर करते हुए कहती भी है। और इसी तरह इसका उद्देश्य ये भी है कि उनके कार्यान्वयन पर, यानी कि ये ज़मीन पर धरातल पर किस तरीके से चल रही हैं उस पर भी निगरानी, उसकी भी निगरानी की जाए। और ये पूरे देश में इस वक्त चलाई जा रही है, जिसका असर आज मऊ शहर में भी नज़र आया है। तो ज़मीन पर इन योजनाओं का हाल क्या है और इस योजना की और भी क्या खास बातें हैं, आइए जानते हैं। पेंशन मिलती है आपको, कितना उम्र है? ऑनलाइन कर दीजिए, आई बनवा लीजिए, आई बनवा के उसके बाद ऑनलाइन करके तहसील में पहुँचा दीजिए, ठीक है? ये संकल्प यात्रा चल रही है, तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हम लोग समाज कल्याण विभाग से हैं, पेंशन के बारे में जनता को बता रहे हैं। कैसी पेंशन? पेंशन वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, छात्रवृत्ति, ऐसे कोचिंग हमारे यहाँ चलती है। जी जी। अभ्योदय, मुख्यमंत्री अभ्योदय योजना। जी जी। फ्री पढ़ाई होती है, तैयारी होती है, यही है। फातिमा के बगल में है राजकीय इंटर कॉलेज। तो ये संकल्प यात्रा कब से कब तक चलेगी? कब तक से चलेगी? चले 15 नवंबर 26 जनवरी तक चलेगी। अच्छा, ये बताइए, जिसका पेंशन रुका हुआ है उनके लिए क्या करना पड़ेगा? उनके लिए वापिस बैंक पहले पता कर लें, उनको बैंक में NPCI कराना पड़ रहा है। अच्छा, इसका जो नहीं कराएगा उसका पैसा नहीं जाएगा, आगे रुक जा रहेगा खाता में। अच्छा, नहीं तो NPCI कराना मस्त अभी जाएगा पेंशन, जिसका रुका, जिसका आ रहा है, जिसका रुका है उसी वजह से रुका है। के लिए राशन कार्ड बेस है, राशन कार्ड और राशन कार्ड में जितने सदस्यों का नाम है सबका आधार कार्ड, महिला मुखिया के नाम बैंक का पासबुक और 2 फोटो और मोबाइल नंबर, ये दे देंगे, ये निःशुल्क गैस कनेक्शन आप तक पहुंचा दिया जाए। सर, इसमें सिर्फ महिलाएं अप्लाई कर सकती है, जेंट्स केवल महिलाओं की स्कीम है, केवल महिलाएं ही अप्लाई कर सकती है। आप लोगों को कैसा मालूम हुआ कि संकल्प यात्रा होने वाली है, किस तरीके से मालूम हुआ? अब संकल्प यात्रा सब लोग जुटे हुए हैं, अच्छा लग रहा है, अब क्या बताया जाए, जो आगे वो अच्छा होगा। ठीक है। आयुष्मान कार्ड का क्या है लाभ, में क्या आपको मिल रहा है? आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है और 5 लाख वाला जो बीमा हुआ है वो मिल रहा है। अच्छा, आवास के लिए क्या क्या मांगे हैं? आधार से लग रहा है। अच्छा, सिर्फ आधार लग रहा है, आपको आवास मिल जाएगा? बोल तो रहे हैं आवास मिल जाएगा।